कुरुक्षेत्र के निजी होटल में एक के बाद दूसरे जानलेवा हमले को लेकर कुरुक्षेत्र के होटल मालिक ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और होटल मालिकों का कहना है कि इस हादसे में एक व्यक्ति तो मरणासन्न है और दूसरा अपनी टांगों से अपाहिज हो चुका है, लेकिन पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है। ये क्षेत्र में दूसरा बड़ा हादसा है जब किसी होटल पर इस तरह का हमला हुआ हो। होटल मालिकों का कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर उचित कार्रवाई नहीं होती तो काम बंद करना पड़ेगा। एक इनके पास सब कुछ है, एड्रेस, नाम, सब कुछ है, अभी तक एक आदमी नहीं पकड़ा गया, एक कल्प्रिट नहीं पकड़ा गया, और यही आश्वासन है, हाँ ये पकड़ लेंगे। पिछला नहीं पकड़ा गया तो अब क्या पकड़ेंगे? तो हमने डीसी साहब से यही गुजारिश की है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको काम को सुलझाया जाए। और एक एक तो बिल्कुल ख़त्म है, मरा पड़ा है, दूसरे की टांगें टूटी पड़ी हैं। वो ये कहते हैं, आश्वासन दिए जी करेंगे, ऊपर जाओ थोड़ा सा, ऊपर और अप्रोच करो। कहाँ तक अप्रोच करें? हमारे तो ये डीसी साहब ही यहाँ हमारे मेन है ना, कुछ क्षेत्र के जिला के अध्यक्ष हैं, हम तो इन्हीं को बोलेंगे।